आइए भाईजान बहनजान दीपिका निकालिए डबल पाई है जेब में लक्ष्मीकांत हो तो लाइफ प्यारे लाल बनी जाती है। लड़की और पैसा दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं करते। सो कम हियर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हेलो गुड मॉर्निंग, खेलना चाहेंगे आप? ये देखिए दीपिका आपका वेट कर रही है। हेलो स्मार्ट बॉय, आइए खेलना चाहेंगे? शर्माइए मत, बहुत आसान है आपको निर्भा जी के बीच दीपिका ढूंढ के निकालिए। बोलिए कितना लगाएंगे आप, बताइए। 100 रुपये। 100 रुपये इनके नाम पे। 100 रुपये, देखते हैं इनकी लाइफ में दीपिका आती है कि नहीं। हीरोइन पर नजर, हीरोइन पर नजर, नहीं तो भाग के चली जाएगी। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, बताइए कहाँ है। ये लीजिए डबल। आज शाम का जाम तुम्हारे नाम। खुलती उसी की है जो खेलता है। बाजी बढ़ाएंगे? आइए आइए, शर्माइए मत, आइए। ठीक है, 500 रुपये। 500, वेरी गुड। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। हीरोइन पर नजर, देखते रहिए, नहीं तो भाग के चली जाएगी। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। सुनिए, माँ मिली है, सबको काम मिलती है। कोई नहीं, कार्ड दिखाओ, कार्ड कार्ड दिखाओ, कार्ड ले लो, पूरा देख लो। क्या बॉस, जूता अच्छा है, कहाँ से लिया? ये फैशन स्ट्रीट से, डिस्काउंट में है। अच्छा, एक और राउंड, अब की बार 1000 रुपये। हीरोइन को पास से देखकर आप तो जोश में आगे बढ़े भाई। हाँ, और कोई खेला जाएगा? आप बॉस अपना लक का लॉक खोलना चाहोगे? 3000। बॉस इस गेम की लिमिट है। ऐसा गेम ही क्या जिसकी लिमिट हो, खेलने दो, क्या प्रॉब्लम? कार्ड पे नजर, कार्ड पे नजर, देखते रहिए, देखते रहिए। हीरोइन पर नजर, हीरोइन पर नजर, देखते रहिए, देखते रहिए। लड़की पर नजर, लड़की पर नजर। बोलिए कहाँ है हीरोइन? किस्मत छोटी सी बच्ची है बॉस, उसे हाइड एंड सीक खेलना पसंद है। पुलिस आ रही है, पुलिस। अपन आर्टिस्ट है, मानना पड़ेगा। थोड़ी क्रेडिट मेरे को भी दे दे। किसी और की बारात में सुहागरात मारना, आपसे तो सीखा है बड़े भाई। लंगर में चलें। चल। ले। ए राजा तुम ना, कुछ तो लेना यार, सिगरेट ले ले। साला अब ये कैंसर बेचना शुरू कर दिया तूने, तेरे बाप को बोलूं? मेरे बाप को बोल ले, अब ऊपर जाना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहा है यार, सॉरी यार। अरे मैं तो भूल ही गया, तेरे बाप ने मुझे ये उधार दिया था, अब ये किसको दूं? मुझे दे दे, और किसे देगा? ऐसा एक शर्त पे, कल से ये सिगरेट बेचना बंद और स्कूल जाना शुरू। मंजूर? मंजूर है। चल निकाल ले, पैसा ले। थैंक यू यार। सबके दाता राजा राम, चैरिटी तो ठीक है, कल क्या करोगे? नई कलाकारी, नया कारनामा। अब अपनी कर्जे की डायरी खोलो और मेरे नाम पे 15000 और चढ़ाओ और घर जाओ, मैं आता हूं। मानवता की सेवा खत्म और सुंदरता की सेवा शुरू। नहीं, ठीक है,
ये लो, ध्यान से, कर्जा बढ़ रहा है, लौटाना पड़ेगा। हिसाब हिसाब है, दोस्ती पानी है और पैसा तेल, दोनों को कभी मिक्स नहीं करते। लो, आ गए चिल्लर लेकर चाल खरीदने। ए भाई, दस दस की गड्डी आज भी इसको। एक दिन इतने लेके आऊंगा कि चार बिठाने पड़ेंगे गिनने के लिए। अच्छा, ये ले चाय पी ले। चेहरा गिराना होता है तो उड़ाते क्यों हो? और ये तुम रोज उस मारवाड़ी से कंपटीशन क्यों करते हो? साला हमेशा पैसे कम पड़ जाते हैं। ज्यादा होते ना तो उस मोटे को हाथों से क्या, तुम्हें आंखों से भी छूने नहीं देता। जानती, तभी तो सिर्फ तुमसे मिलती हूँ, बाकी सब तो मुझे छूने के लिए मुझ पर पीखते हैं। लेकिन तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी राजा, थोड़े से पैसे बचाना सीखो। बचाना वो सीखता है जो ज्यादा कमाना नहीं जानता। देखना एक दिन मैं तुम्हें यहां से निकाल के लेके जाऊंगा। सलाम जमशेद भाई। आओ 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 आओ, आ भी गया राजा अपना राज लुटा के। हाँ, अरे पैसा वहां उड़ा के आता है जहां पेट नहीं भरता। क्या करे, वहां पे दिल का खालीपन भरता है जमशेद भाई। छोड़ छोड़, एक एक ले ले। और दिल को गोली मार, उधार लिखते लिखते इधर डायरी भर गया, उसका क्या? कभी कभी थैंक यू से ही काम चला लिया करो जमशेद भाई। चल नाटक छोड़ी रहे, अब ये काम का साइन करो, ऑर्डर दे रहे। टेबल नंबर 3 माल पहुंचाने गया ना उधर, तो सेठ ने खुश होकर आइटम मेरे साथ भेज दिया, बोले तो भेजता हूँ कभी। अच्छा सुन, कल 80 पेटी ऑफिस में पहुंचाने का है, मालूम है ना? 80 लाख तो एक बैग ही तो होगा, डाल देंगे। टेंशन क्या? कुछ नहीं, तेरी गन बराबर चेक कर लेना। चल निकले, कल सुबह 9 बजे गोरा ऑफिस। ए चल ना। भाई मार दे लंबा हाथ। हाँ, तू नहीं सुधरेगा। तुम्हारे कपड़े और सुबह का नाश्ता भूलना मत। थैंक यू नहीं बोलूंगा, रेडीमेड बैठा हूं आप दोनों का। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। इतनी बार समझा चुका हूं ना, हाथ की सफाई के काम में गेन कम है तो पेन भी कम है। लंबा हाथ लंबा खतरा, हमारे पास की बात नहीं है। विक्टर सिंह खान, इसका नाम सुना? विक्टर सिंह खान, विक्टर सिंह खान, इससे अच्छा तो अपना नाम अमर अकबर एंथनी रख लेता। तो उसका नाम नहीं, उसके कारनामों की देन है। उसका नाम है योगी। योगी? हाँ, उसका असली नाम योगी है। आजकल धर्मशाला में लंबे हाथ का एक्सपर्ट। अच्छा भाई, 3 बड़े हाथ मार के हम भी बन जाते हैं एक्सपर्ट योगी की तरह। ना तुम उनको जानते हो, ना उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हो। रिस्क भाई, रिस्क और चैलेंज के बीच में तो चांस मिलता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। 40 मिनट में 80 लाख का छप्पर फटने वाला है भाई। छप्पर फाड़ने वाला जब लेता है तब भी फाड़ के लेता है भाई। मान लो, प्लीज मान लो, मुझे पैसे ज्यादा और जल्दी चाहिए। किस्मत करेक्ट मौके पे लेके आई है भाई। जिया के सामने जो इज्जत गई है ना, वापस आ जाएगी। गई इज्जत? ए, तेरा नाम राजा है तो तू अपने आप को शाहजहां समझता है? उसके लिए ताजमहल बनाएगा? बंगला बनवाऊंगा अपने लिए, अपने लिए। भाई मान लो, भाई मान लो, देखो हाँ बोल दो, यस।
यस। अरे उसने सर्विस नहीं किया यार, ठीक से सर्विस कर ली। सब ऐसे ही था राजा, ये प्लान सही नहीं लग रहा। अगर उसने ठीक से चेक किया ना तो। ठीक से आदमी तब देखता है जब उसे शक होता है। 15 मिनट की तो बात है, उसके बाद जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। चलो जाम रहती है, इसके लिए तेरे को बोलता हूँ। अरे तू ना, इसे क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं खोल रही, मैं हेल्प करूँ? श्योर। हाँ ऑटो है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है, पानी में गिर गई होगी। इसी से खोल ले, है ना? कभी कभी इसी से खोला तो उप्स, सॉरी गलती हो गई। हाँ देखिए थैंक्स। यार कुछ मजा नहीं आ रहा। क्यों? सारा कुत्ते की माफिक जिंदगी हो गई है। रात दिन भागते रहा और मिलता क्या है? घंटा। अगर इसे लेके गलती हो जाए तो? गलती? अबे इस पैसे को छुआ भी ना तो हाथ काट लेंगे वो लोग। क्या हाथ काट लेंगे? तू साले हर वक्त गलत बात सोचते रहता है। उनकी गाड़ी से उड़ा के उन्हीं की गाड़ी में गिन रहे हैं। मतलब पहली गेम में बन गए ना लंबे गेम के एक्सपर्ट, आपके उस क्या नाम है योगी की तरह। चलो डायरी निकालो, आज है सारा कर्जा क्लियर। डायरी ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद भी दे सकते हो। अरे 2-4 दिन बाद तो फिर से लेने का दिन आ जाएगा। अच्छा पुराना लौटाऊंगा तभी तो नया मांगने की हिम्मत होगी ना। चलो अब अपनी वो हीरो वाली स्माइल दो। चलो अरे चीज बोलो, चीज बोलो, चीज। So it's from India. Patient, we then moving into phase 2 and sir, Mumbai में एक छोटी सी घटना हुई है। 200 लाख छाप लोगों ने 80 लाख चुरा लिए। पूरे ना? हाँ सब पूरे।
यहाँ देखो, नजर यहाँ पे, देखते रहो मेरी तरफ, नहीं यहाँ पे नीचे, चुनो। परफेक्ट बीबी मटेरियल हो तुम, बड़ा खर्चा बचा दिया। कैसे? पहली टिकट मॉरिशस की थी, दूसरी बैंकॉक की, तीसरी कश्मीर की, तुमने तीसरा चुना है, लेकिन हम लोग तीनों जगह जाएंगे हनीमून के लिए। हनीमून? क्या राजा? जाहिर है इससे पहले हम शादी कर लेंगे, तो बताओ कब करें शादी? मजाक मत करो राजा। मजाक नहीं कर रहा हूँ राजा, ये मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों के लिए नाचना बंद करके मुझे अपनी खूबसूरत उंगलियों पे नचाना शुरू कर दो। कैसा आइडिया है? मैं बड़े भाई से कहूंगा कि घर जाने के बजाय ने शादी के लिए यहां कर दिया। मैं बस यूं गया और यूं आया। बैग्स पैक कर लो, पैक कर लो बैग्स। थोड़ी बार है तो सो जाइए। गलती हो गई, ये रहे तुम्हारे पैसे। दूसरा कौन है और कहाँ है? ऐसे ही किसी को रास्ते से ले लिया था, बेवड़ा था। मतलब तुमने आधे पैसे अनजान बेवड़े को दे दिया। कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? बोला ना कोई पार्टनर नहीं है। क्या हुआ?
क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे राघव को मार डाला। कौन है? सिंह साहब से सवाल पूछेगी। कौन? अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या बात, क्या बात। सुना आज तेरा आशिक ने दोनों हाथों से उड़ाया तुझ पे। मुझे कट तेरी कमाई से नहीं, तेरे उस जालसाज मजनू की 80 लाख की कमाई से चाहिए। कैसी बातें करते हो साहब, 80 लाख? उसके पास कहां से आएंगे 80 लाख? वो तो एक छोटा मोटा सा कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोली, क्या हो? कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर में से ट्रैक्टर उड़ा दे। क्या बचा? कौन? कौन? मैन है वो। क्या है? 420। अच्छे से जानती है ना तू? क्या किया उसने? उसने उसकी जेब काटी है जो सबकी गर्दन काटता। क्या नाम है उसका? वरदा यादव। हाँ वही, वरदा यादव। दोनों की सुपारी निकल चुकी है। उसके पार्टनर का तो गेम भी हो गया ना। तेरा छलिया भी जाएगा। अगर चाहती है मैं अपनी जुबान बंद नहीं था तो नहीं। आप ये लो ना। ये लो, राजा आएगा तो मैं बताऊंगी। हाँ ये तो सिर्फ टोकन है, टोकन। हम सब ले लेंगे उससे। बोल देना उसको। हम जाना है। हाँ से? नहीं सर। क्या नहीं? कैसे नहीं? वो राघव को मार दिया उन्होंने, सुना नहीं तुमने? उस सिंह ने भागने वालों के लिए तो पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है। कहाँ तक भागेंगे हम? हाँ क्या करेंगे, क्या करोगे? पता नहीं, पता नहीं। इस वक्त कोई जवाब नहीं मेरे पास। पता नहीं कैसे नहीं पता, कैसे नहीं पता? उस वरदा के सामने तुम हो ही क्या? मार देगा तुम्हें, कुचल डालेगा। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हम? जा रहे उस आदमी के पास जो शायद मेरी मदद कर पाएगा। नहीं, हम जा रहे हैं। सुन, मेरा इंतजार करना। मैं वापस आऊंगा। माफ कीजिए। क्या? मैं राजा हूं। कहां का? मुझे योगी से मिलना है। तो मिलो। अगर आप ही योगी हैं तो आपको एक लंबे गेम के लिए हायर करना चाहता हूं। आज का योगी कल वाला योगी नहीं रहा। मुझे किसी से बदला लेना है। तो बंदूक में गोली भरो, सीने में हिम्मत और दाग दो। अगर वैसे ही मारना था आपके पास नहीं आता, उसे जिंदा रख के मारना है।
आपकी जो भी फीस है उसे डबल दूंगा मैं। माया का मोह कब का त्याग चुका हूं मैं। जनगण मन गा रहा हूं, जो खड़े हो जय हिंद। बार समझा चुका हूँ ना, लंबा हाथ लंबा खत। मुझे पैसे ज्यादा और जल्दी चाहिए। 40 मिनट में 80 लाख का छप्पर फटने वाला है भाई। छप्पर फाड़ने वाला जब लेता है तब भी फाड़ के लेता है। इट्स अ रिस्क भाई, रिस्क और चैलेंज के बीच में तो चांस मिलता है। प्लीज मान लो, प्लीज। अब अपनी कर्जे की डायरी खोलो और मेरे नाम पे 15,000 और चढ़ाओ और घर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, ये लो, कर्जा बढ़ रहा है, लौटाना पड़ेगा। फाड़ने वाला जब लेता है तभी फाड़ के अगर तुमने नहीं मदद नहीं की ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कल सुबह लोगों के सामने मारना, कम से कम नाम तो होगा। मुझे उसे बदला लेना जिसने मेरे राघव को मारा है। सड़क से उठाकर अपने अपने बच्चे की तरह से मारा था राघव ने मुझे। बड़ा भाई था मेरा, वरदा ने उसे मारकर मुझे अनाथ कर दिया। इस रास्ते में बहुत अकेला हो गया हूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी मदद करो, चलो उठो। जो खुद को वो योगी नहीं मान रहा था, वो साथ आने को कैसे मान गया? मेरी धमकी की वजह से? ना ही वो तुम्हारा मीना कुमारी वाला नाटक और ना ही तुम्हारे पैसों की वजह से। और मुझे ज्यादा सवाल पूछने वाले शागिर्द पसंद नहीं है, याद रखना। वाह, खुद तो मेरा उस्ताद भी डिक्लेयर कर दिया आपने। गुरु नहीं मानोगे बेटा तो गुरु ज्ञान कहां से पाओगे? चलो बैग उठाओ, ताला लगाओ और पीछे चलो। हवाली कराते रहोगे क्या? लंबे गेम के बारे में कुछ सिखाओगे भी? लंबे खेल के लिए जरूरी है सब्र। चित्री के पीछे पीछे भागोगे कभी हाथ नहीं लगेगी। इत्मीनान से एक जगह बैठो, कंधे पे आके रुकेगी। हाँ हाँ, बात को घुमाते रहो। मैं सिर्फ बात नहीं बहुत कुछ घुमाना जानता हूं। लंबा खेल सीखना है ना? अरे सुनो, एक सिगरेट दे। मैं इस सिगरेट को बिना हाथ लगाए बिना कुछ किए घुमा सकता हूँ। तो अब तमाशा दिखाओगे, मजमा लगाऊं? मजमा नहीं, अपनी आंखें और अपना ध्यान इस सिगरेट पर लगाओ। ये देखो, टीवी स्क्रीन के सामने कभी ऐसे हाथ घुमाए बाल खड़े हो जाते हैं, याद है? उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कमाल। याद है? या ओके। okay?
लंबे खेल का पहला उसूल यह है, दिखेगा वो जो तुम दिखाओगे, लेकिन होगा वो जो तुम चाहोगे। ये रूल आपने बनाया? जी नहीं, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने। अब ये कौन है? ये वो है जिन्होंने लाल किला, ताजमहल और सारे एमपी समेत पूरा पार्लियामेंट हाउस बेच दिया। परम पूज्य अटवरलाल, अब देखना यह है कि तुम लंबे खेल के लायक हो या नहीं। तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है आज से। इतना सारा पैसा? राम 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 राम, तो पुलिस को खबर करना होगा। और पुलिस ईमानदारी से इसे असली मालिक को दे देगी। हरीश चंद्र जी, कैश हमें मिला है, आपस में बांट लेते हैं। ठीक तो बोल रहे हैं, बांट लेते हैं ना आपस में। अरे नहीं नहीं भैया, तो चोरी हो गई और कोई देखे या ना देखे, हमारा राम जी तो देख रहा है, वो कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा एक आइडिया है, कुछ दिनों के लिए हम में से कोई एक ये पैसे रखता है, अगर कोई हक जताने नहीं आया तो माल हमारा। क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं। हम में से कोई एक क्यों? हम तो आपको अभी अभी मिले हैं, पहचानते तक नहीं। और माफ करना, आपके चेहरे पे तो दगा ये साफ लिखा हुआ है। नहीं, हम रख लेते हैं। माथे पे टीका क्या लगा लिया, ईमानदार हो गए ना? आपका ना मेरा, तुम रख लो। इस पे कैसे भरोसा करें हम? सिक्योरिटी के लिए हम दोनों को अपनी जेब से 5,000 रुपए दे दो। 5,000? इतना सारा? 5,000 तो नहीं है मेरे पास। देखा? अच्छा तो कितने? 2,000 है। 2,000 में ये चल जाएगा। सिक्योरिटी है 1,000। हाँ ठीक है भैया। सुबह का सूरज खाली जेब से निकला था और अब 75,000 लेकर सामने चमक रहा है। इसे कहते हैं किस्मत की मेहरबानी। हग दिया। क्या पूछ ले जो पूछ रहा है वो हगू। यार एक सेकंड, ये पेटी में एग्जैक्टली 75,000 है, ये तुझे कैसे पता? चलो गंदा किया है, धो डालो अभी। एक सेकंड में आया। एक सेकंड, पहले इम्तिहान में फेल हो गए। जब खेल लंबा हो तो मंत्र वही पढ़ा करो जो रटाया गया। लंबे खेल के स्क्रिप्ट में शुरू से लेकर आखिर तक एक लफ्ज भी चेंज नहीं होता, समझे? ठीक है गुरुजी, लेकिन राजी होने का रीजन अब तक नहीं बताया आपने। गलती हो गई, नहीं पूछूंगा। आइए यहां। कौन? मेरी जान, मैं उस समय लुआने वाली थी, तू ना भूल गई। मेरा कटका क्या होगा? मैंने कहा था मुझे उसका कुछ नहीं पता। ए सनी, नाटक बंद कर। बता बता, चल बता। छोड़ देना शालवी, अभी नहीं जानती तो नहीं जानती, पर अगर चाहे तो जान सकती है कि राजा कहाँ। चल फोन लगा उसे। फोन लगा, चल। स्पीकर फोन पे डाल। फोन ले ले इसका, फोन चल, उसको ट्रेस करेंगे, अब तो मिल ही जाएगा। थैंक यू। कोई झमेला है क्या? झमेला नहीं, जिया नाम है उसका। प्यार परिवार हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझे? जिंदगी में कोई भी ऐसा रिश्ता मत पालो जिसे एक झटके में तोड़ना पाओ।
खाना फ्री करवा सकते हो? फ्री ये बॉडी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लंगर खा के तो बनी है। हाँ देखें, दूसरी बार भी फेल। अगर आपने वेटर को टिप की जगह टिप नहीं दी होती ना तो देखते। मैं नहीं देता, कोई और दे देता, तब क्या करते? कॉन्फिडेंस खेल में जान जरूर डालता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जान ले लेता है। लंबा खेल है भैया, हर एंगल कवर करना पड़ता है, 10 कदम आगे सोचना पड़ता है। ये रूल बिना पिटवाए भी सिखा सकते थे आप ना। खींचे हुए कान से मिला हुआ ज्ञान हमेशा याद रहता। ज्ञान तो ठीक है, कोई प्लान भी है? अरे टीम बनेगी, टीम फिर बनेगा प्लान। हेलो योगी भाई। अच्छा मतलब वनवास तोड़ दिया। अरे आया, क्या कर रहे हैं ये? नमस्ते सर, हाउस कीपर। मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर से किया क्या? ऐसे ही किया। हेलो हेलो जोगीदा, एबार किसको काटना है? वर्धा यादव, यादव यूनाइटेड ग्रुप का चेयरमैन। स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी चीटिंग से शुरुआत की, फिर साम दाम दंड भेद से आम आदमी को लूटा। गवर्नमेंट की नज़र पड़ने से पहले ही केपटाउन में जाके जम गया। इंडिया साइलेंटली आता है और सिर्फ खास लोगों से मिलता है, तेज तर्रार, सनकी और डेंजरस। अरबों का मालिक है लेकिन एक एक रुपए का हिसाब रखता है। मतलब इस उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना मुश्किल है। भैया हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वरदा भी आखिर है तो इंसान ही। तब कमजोरी कहो, शौक कहो या पागलपन कहो, इस इंसान का सिर्फ एक ही जुनून है और वो है क्रिकेट। CL20 के फर्स्ट सीजन में टीम खरीदना चाहता था लेकिन ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाया। काले पैसों की वजह से उसका रंगीन सपना पूरा नहीं हो सका, तो बेचारा हर नीलामी में क्रिकेटर्स के ग्लव्स और बैट खरीदता है। और ऐसा ही एक ऑक्शन अगले हफ्ते केप टाउन में होने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की विनिंग बॉल, और तब वर्धा आ जाएगा। तो हम भी वर्धा के पागलपन का पूरा फायदा उठाएंगे। ये बॉल हम उसके हाथ नहीं लगने देंगे। और ये है हुक, हमारा पहला फंदा। बॉल से तो बिग नहीं होगी, लेकिन पूरा प्लान क्या है? प्लान, हम वर्धा को आने वाली CL20 में 100 करोड़ रुपये में एक ऐसी टीम बेचेंगे जो कभी न थी और न कभी होगी। यह है प्लान। आस्क हिम टू कॉल मी टुमारो। एक कलेक्टर्स एडिशन बैट लाया हूँ सर, यू लव इट। सर डॉन ब्रैडमैन का बैट, 1937 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में सर डॉन ने इसी बैट के साथ सेंचुरी मारी थी। इस बैट की अच्छी प्राइस तो कहीं पर मिल जाती सर, मगर मैंने सोचा कि इस मास्टरपीस पर सबसे पहला हक तो आप ही का बनता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों के सबसे बड़े पारखी तो आप ही हैं ना सर। प्राइस सर सिर्फ आपके लिए 50 लाख्स ओनली।
एक्सीडेंट है। बैठो बैठो। I have Bradman's bat, Walia. 1937 के एशेज सीरीज में पहले टेस्ट में पहले इनिंग्स में ब्रैडमैन साहब ने इसी बल्ले से 38 रन बनाए थे और दूसरी पारी में जीरो। उनकी बैट का वेट 2 pounds 4 ounces। मैं सिर्फ शौक ही नहीं पालता हूं, पूरी जानकारी भी रखता हूं। जानते हो उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आके नकली बैट बेचने की? क्योंकि मार्केट में एक खबर फैल चुकी है कि किसी ने मेरी वरदा यादव की जेब काटी है। अभी तक जिंदा है वो। पहला दुनिया से चला जा चुका है। दूसरा कहां है? दूसरा शहर छोड़ के जा चुका है। मैं संभाल लूंगा। यू किल हिम, यू फाइंड हिम एंड यू किल हिम। ये कहां चली सवारी? फुटबॉल खेलने झमेले के पास। प्यार, परिवार, लव, इश्क आग का दरिया है और डूब के जाना है। तुम डूबो, मैं डूबने वाले का साथ नहीं देता। मैं तो किनारे पे कुर्सी डाल के मजे लूंगा। पे मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगा। ओए, आते। मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा, वादा है मेरा। मुझे नाच रही थी वो, कहाँ है? सिंह आया था राजा, वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वो तुम्हें कहीं से भी ट्रेस कर लेगा। उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो, हम कहाँ जा रहे हैं? उड़ गया, उड़ गई राजा भी और रानी भी। सर वो राजा फोन ऑफ करके टेक ऑफ कर गया सर, और उसके साथ वो जाली बंगाली बोस भी है फ्लाइट में, और वो लड़की, वो बाहर की बेगम जिया, वो भी उड़ गई, लेकिन वो दूसरे फ्लाइट से। लेकिन ये सब लोग गए एक ही जगह है सर, केप टाउन। साला इस टाउन में ऑटो में बैठने को नसीब नहीं होता, फ्लाइट में बैठ के केप टाउन। बढ़िया, साला वरदा भी उधर ही है ना? हाँ सर। कुछ तो पकड़ा होगा।
दर्द को बहने मत दो, उसे ताकत में डाल दो। मैं ये दर्द को खोना नहीं चाहता हूं, आप नहीं समझोगे। मैं तुम्हारे साथ यहां आने के लिए इसलिए राजी हुआ कि मैं अपने सगे भाई के कातिल को अपनी नजरों से देखना चाहता था। राघव मेरा भाई था, अपने ही गुस्से का शिकार मत बनो। दिमाग जितना ठंडा, बदला उतना मीठा। चलिए तो टाइम हो गया। गो। Our first beauty is Sehwag's bat, which has been autographed by him. Bidding starts at $10,000. Do I hear 15? $15,000, ladies and gentlemen. Do I hear 20? $20,000. $25,000. Hello, I'm Virat Shah from Africa. Do I hear 30, ladies and gentlemen? $30,000. $35,000, ladies and gentlemen. $40,000. 40,000 once, 40,000 twice. 40,000 thrice, sold to the gentleman in the blue suit. Oh! You know, Sehwag is my friend. जब भी अफ्रीका आता है, ऐसे पांच छह पीछे छोड़ के जाता है. Bet. I'm happy for you. Congrats. Congrats. हेलो, कौन 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 ही तो करने गए हो ना वहां तुम लोग? नहीं नहीं सर, मैं तो यहाँ राजा के साथ, हम दोनों तो वो करवा चाहोगे? अयो तेरा राजा है ना, उधर वर्धा के साथ गेम ही खेलने गया है ना, अपने चीटा चौकड़ी के साथ। बताया नहीं तेरे को? तभी तेरे को अलग फ्लाइट में बिठा के भेजा। अभी कुछ तो बताया होगा ना मेरी जान। बता दे, वरना तुम दोनों का गेम बजाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। कैसा लग रहा हूं मैं? मुझे लगा केप टाउन में है तो थोड़ा स्टाइल से रहेंगे। अब तो तुम फ्रेश अप हो जाओ, अगर कुछ खाना मंगाना है तो मंगा लो। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, केप टाउन में मेरा कोई दोस्त है, उसे जाके मिलना है। बस चार घंटे का काम है। योगे और कौन सा दोस्त? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? मुझसे कितने और झूठ बोलोगे राजा? मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुंबई में खतरा है, केप टाउन आके एक नई शुरुआत करेंगे। ये है तुम्हारी नई शुरुआत? यहां वरदा यादव से बदला लेने आए हो ना? सिया, अगर मैं तुमसे सच कहता तो तुम यहां कभी नहीं आती, और मुंबई में तुम्हारी जान को खतरा था। हाँ, मैं वरदा से बदला लेना चाहता हूं, क्योंकि उसने मेरे भाई को मुझे छीन लिया। पागल हो गए हो तुम? क्या हुआ अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो? सिया, उसने देखा नहीं तो पहचानेगा कैसे? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। ये प्लान $25,000, ladies and gentlemen. Do I hear $30,000? No? $25,000 going once.
$25,000 going twice. I hear $30,000. Do I hear a raise? $30,000 one. $30,000 twice. $30,000 thrice. Sold to the gentleman in the blue suit again. इसे कहते हैं जूता खरीदना नहीं जूता खाना, वो भी 20 लाख। तुम्हारे सेठ की जेब में पैसा होगा, दिमाग में भेजा नहीं है। हेलो मैम, कुछ तो प्रॉब्लम है, पुलिस आई है, आप खुद ही बात कर लीजिए। हाँ, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। केप टाउन में जो वर्ल्ड कप विनिंग बॉल आप लोग ऑक्शन कर रहे हो वो फेक है। What? Are you sure? अरे पक्की खबर से, कुछ फर्जी लोगों ने असली बॉल को नकली से बदल दिया है। फॉरन ऑक्शन रोक दो। Now the item you all been waiting for, the prize World Cup final winning ball. Ladies and gentlemen, due to unforeseen circumstances, we are taking the ball off the bed. This concludes the auction. Thank you. सर आपसे कहा था ना ऑक्शन से हटवा के आपको दिला दी। सर ये तो अभी नहीं, सबके सामने बॉल दे, थैली में डाल के लाना चाहिए ना। बॉल ले, पैसे दे दे। मिल जाएगा। सॉरी सर। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम वर्धा से क्रिकेट टीम के बारे में कुछ नहीं कहोगे, पर मंत्र उतना ही पढ़ना जो रटाया गया है। पहले इम्तिहान में किया था वैसे मत करना, ज्यादा बोल के पोल मत खोल। इसकी याद दिलाओगे ना तो सब कुछ भूल जाऊंगा। मिथिलेश कुमार, वो बॉल कैसे मिली तुम्हें? बॉल? हाँ बॉल। वर्धा साहब, क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं। यस ही। और जिस आदमी को तुम लोगों ने टारगेट किया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वर्धा यादव है। एक्सप्लेन। यहां देखने की जरूरत नहीं, गोली की आवाज सब भाग जाएंगे। वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि वो जानती है कि मैं ये काम अफ्रीका के उस टाइकून विराज के कहने पे कर रहा हूं। वो बॉल लेकर आपको बर्बाद करना चाहता है सर। बर्बाद करेगा बॉल लेकर? ऑप्शन कमेटी को फोन लगाओ वाले।
सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, ये बॉल खोना आपके लिए बहुत मामूली बात है, लेकिन अगर आपने कमेटी को फोन किया तो सर प्लीज, तो विराज के साथ मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डील कैंसिल हो जाएगा सर। इंपॉर्टेंट डील? एक्सप्लेन। सर मैं नहीं बता सकता हूँ सर, एक टॉप सीक्रेट डील है सर, मैं आई एम सॉरी सर। प्लीज सर फोन मत कीजिए सर, सर प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके सर, प्लीज सर ठीक है मैं बताता हूँ, फोन रखिए सर, फोन रखिए। क्रिकेट बोर्ड CL20 में एक नई टीम लॉन्च कर रही है और मैं विराज को उस टीम का ओनर बनाने वाला हूँ। CL T20 टीम का ओनर शराबी गुज्जू बनेगा? रहने दो वाले, उसको ऑल द बेस्ट बोल देना, चल जाओ। गो गो। ये आपने क्या सोच के इसे जाने दिया? बिना सोचे आज तक कोई काम किया मैंने वालिया? इस पे और लड़की पे दोनों पे नजर रखो। ए! ए, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूं ना? हाँ? मैंने वर्धा को संभाल लिया है, लेकिन प्लीज मेरे साथ रहो, क्योंकि एक साथ इतनी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं मैं। और थोड़ा हंस दो, क्योंकि जब तुम रोती हो ना बहुत बदसूरत लगती है। चले राजा, शादी कर ली? लड़की को एक इंच का स्पेस दो तो पूरी की पूरी गाड़ी पार कर देती है। अगली बार ये ख्याल दिमाग में है ना तो उसे जाने देना। तुम्हारे अलावा रहे कौन? वर्धा के लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए उसके साथ घूम के उन लोगों को घुमा रहा था। अरे उसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस? राजा ये पुलिस कहां से पड़ गई? इंस्पेक्टर सिंह, उस रात के बाद वो उस 40 लाख के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और अब जिया की जान खतरे में है। रोब यहां के हमारे लिए खतरा बनेगी। इतनी बार समझाया कि बीवी और गर्लफ्रेंड को साथ में रख के कोई भी जंग नहीं लड़ी जाती। तुम भैया ऐश करो, तुम किस विस करते रहो, राघव का बदला तुम्हारे बस की बात नहीं है। राघव की तो बात ही मत करो आप, रिश्ते निभाना उनसे ही सीखा है मैंने। आपको तो रिश्ता बताने में इतना वक्त लग गया। I'm sorry मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया।
वरदा तो दूर की बात है, हम भी इसके झांसे में नहीं आएंगे। अरे करेक्ट, आग लगा के आ रहा हूं मैं, मस्ती चारा खा चुकी है। अभी कुछ वक्त पहले वरदा का फोन आया था। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। बुरा आइडिया, मैं आंखों में देखे झूठ बोलता हूं। वरदा ने मुझे कल सुबह बुलाया है, अब मैं सोच रहा हूं कि नाश्ते के लिए तो नहीं बुलाया होगा ना मुझे। चलो एक पल के लिए मान ले कि बात सही है, तो भी लड़की को यहां लाकर तुमने गलती की है और उसे सुधारना होगा। मैंने उनको संभाल लिया, मैंने उनसे कह दिया कि वरदा का फोन आया था। तो आया वरदा का फोन? नहीं। बस राज, मैं बॉर्डर नहीं सह सकती। तुम अपने बदले को जिंदा रखने के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दो। आज तक मैंने हमेशा लोगों से लिया है, अब लौटाने का वक्त आ गया। राघव को लौटाने का वक्त आ गया, क्योंकि चिता में शरीर चलते हैं, कर्ज नहीं। लेकिन आज तुम्हें अपने इस काम या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। जस्ट फायर देम वाले, लेबर कमीशन का कमीशन देकर संभाल लेंगे। ये यहां भी आ गया सफारी करने? उसकी हिम्मत, इसकी तो सिक्योरिटी से कहो प्यार से उसे अंदर ले आए। घर में फ्रंट गेट भी है। बड़ी एंट्रीज फ्रंट से नहीं होती सर, मुझे आपसे वेट करे बिना मिलना था। विराज को दिलवाई थी, वापस ले ली। क्रिकेट टीम भी आपको दिलवा सकता हूं। एक रात में साइड बदल रहे हो सर, कल को हमारी पीठ में भी चाकू मार सकता है। तरक्की की सड़क पे कुछ लोगों की पीठ पे छुरा तो मारना ही पड़ता है। किसे मारना है, किसे छोड़ना है, असली तरक्की इसे कहते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग प्रोसेस बताओ। क्रिकेट बोर्ड CL20 में एक नई टीम लॉन्च कर रही है, बड़े बड़े लोग उस टीम पे बोली लगाने वाले हैं। उस लिस्ट पर आपका नाम डलवाने से लेकर टीम आपके नाम पर करवाने तक का काम मैं चुटकियों में करवा सकता हूं सर। किसे जानते हो ऐसे के ऑफिस में? गवर्निंग काउंसिल के शिराज पटेल अपने। पहले कभी तो नहीं सुना ये नाम, चेक करते हैं। आप सच में
एक बार टीम के चक्कर में हम करोड़ डुबा चुके हैं, ये पैदल क्या टीम दिलाएगा हमें? पैदल जब सोलवे घर में पहुंच जाता ना वालिया, तो वजीर बन जाता है। देखते हैं कहां तक चलेगा ये पैदल। शिराज पटेल के साथ मीटिंग फिक्स करो परसों सुबह 10 बजे AIC ऑफिस में। सर अनऑफिशियल मीटिंग है, शायद ऑफिस में नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, नो डील। अच्छा सर मैं कोशिश करूंगा। कुछ नहीं, अभी फोन करो राइट नाउ। ठीक है। हेलो। हाँ पटेल सर, कैसे हो आप? अच्छा एक नई पार्टी से मिलवाना है आपको। वो सामने? अरे विराज को भूल जाओ आप, ये पार्टी बेटर है। तो बताओ परसों 10 बजे आपके ऑफिस में? अरे नो नो, परसों नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक काम कर, 2-3 दिन डिले कर उसको। एक सेकंड, कह रहे हैं कि विराज का 1 करोड़ का ऑफर है। सुनता ही नहीं है। अगर आप डेढ़ देते हैं तो डन। तुझे बोलने से पहले ना सोचने की कसम खाई है क्या इडियट? डन सर, तो परसों शार्प 10 बजे आपके ऑफिस में। हाँ डन। हेलो, ये कमाल है साला, जहां अच्छी जगह देखता है हक देता है ये इडियट कहीं का। सुनना तो जैसे इसने सीखा ही नहीं है, जब देखो तब डाल देता है हम लोग के गले में मुसीबतों की माला। परसों सुबह, अरे लेकिन तब इतने शॉर्ट नोटिस पे AIC के ऑफिस में कैसे मीटिंग करेंगे हम लोग? पता नहीं भाई, दिल तो कटे, मरने दो साले को। फिर दिल ये भी कहता है, मैं तो अपना ही, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। इन मिथिलेश कुमार जी का तो नाम ही किसी ने नहीं सुना है। वो फिक्सर ही क्या जो सुनाई और दिखाई देने लगे, हम पर्दे के पीछे रहते हैं बॉस। अगर मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना, तुम कहीं भी रहने के लायक नहीं रहोगे, पर्दे के आगे ना पीछे। गुड मॉर्निंग आयका। हेलो, can I speak to Mr. Guha please? Calling from Times of India. Sure, please hold the line. Good morning, Aika. Can I speak to Aniket Banerjee please? Ji, please hold the line. Good morning, Aika. Hi. Can I speak to Nikhil Shirodkar ji? Sorry, Shirodkar sir, तो आज ही चुने गए। Oh, 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 thank you. हो गया बंदोबस्त। मिस्टर शिरोडकर सर के ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल करना है। लेकिन आपका कोई अपॉइंटमेंट या कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है तो फोन कर लो शिरोडकर साहब को, डिस्टर्ब करो। अच्छा बताइए कहाँ साइन करना है? इधर नाम आनी सिग्नेचर। हेलो। हाँ पटेल सर, बस 5 मिनट आ रहे हैं। हाँ बस पहुंच रहे हैं। ये कमल सिन्हा के लिए कुरियर है। भैया इस नाम का तो कोई नहीं है। मैडम लेकिन पता तो इधर का ही दिया हुआ है। भैया पता ये है लेकिन नाम गलत है। मैडम प्लीज एक बार चेक करो ना। अरे भैया मैं बता रही हूँ ना। मैडम मेरे को फालतू में 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक बार प्लीज आप देखो ना प्लीज। अच्छा क्या नाम बताया आपने? कमल सिन्हा। सिन्हा 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 सिन्हा। ये देखिए मैम, भैया रमन शर्मा है। और थोड़ा ये तो कमल कुरैशी है भैया, आप क्या
इस तरफ। शिराज भाई कैसे हो? वरदा भाई। शिराज भाई तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। एक दिन का अल्टीमेटम देकर यहां मीटिंग फिक्स करने को कहते? सर मुझे पता था आप मैनेज कर लोगे। अच्छा, और मैं हीराज को कैसे मैनेज करूं? सर हम 50 एक्स्ट्रा दे तो रहे। वो तो ठीक है, लेकिन बात पैसों की नहीं है। बात यह है कि इस बार टीम के ओनर टॉप के लोगों से चुने जा रहे हैं। सर वरदा भाई से बड़ा और कौन हो सकता है? सोचिए, समझिए। हाँ वो तो है, आज तक तुम किसी ऐरे गहरे को तो लेकर आए नहीं। ठीक है, मैं मिस्टर सैगल से बात करूंगा। करूंगा, इनके पास टाइम कहाँ है? अभी कीजिए। अखिलेश हाथ पकड़ कर काम कर जाते। हाँ सिराज बोलो। मिस्टर सैगल, साउथ अफ्रीका से कोई बिडर आएगा तो कैसा रहेगा? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया सिराज, वेलकम देम। तो मिस्टर वरदा यादव इंटरेस्टेड है? वेट 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 वेट, यू सेड वरदा यादव? द टॉल लंकी फेलो? ओ नो नो नो, इज अ थर्ड क्लास फ्रॉड आदमी है साला, दो नंबर का पैसा वाला है और एक बार अपनी रेपुटेशन की वजह से रिजेक्ट हो चुका है। लगता है अब तुम्हारे जरिए ट्राई मार रहा है। एक काम करो, उसको हमारी तरफ से एक स्टंप गिफ्ट कर दो और उससे कहो कि जहां जगह मिले वहां फिट कर दे। सर एक और मिस्टर सैगल, मिस्टर यादव का अभी प्रोफाइल बदल गया है, फिर भी मैं सब कुछ चेक कर लूंगा। आई कांट ट्रस्ट हिम सिरा, बट एनीवे उनका बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न सब थरली चेक कर लो, तो मेक नो मिस्टेक्स। ओके यस सर। एंड 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 वन सेकंड, वो वीडियोट्रॉनिक्स वालों से बात हुई? सर कैन आई कॉल यू लेटर अबाउट दिस? थैंक यू सर। क्या आप अपने फाइनेंशियल्स तो दीजिए, सोच के बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। शरद का सर, आपके ऑफिस में तो पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। अच्छा जी, मैं अपनी डायरी लेके आता हूं। सॉरी। बाहर नोटिस लगा था, पढ़ा नहीं? ये क्या है, ये ऑफिस है कि पब्लिक टॉयलेट है? जिसे देखो सवेरे से अंदर बाहर हो रहा है। अरे ऐसे काम नहीं होता रे बाबा, ऐसे काम नहीं होता। Bloody cheater! Wait! Bloody cheater! Get up! Come out! Come out! Bloody! Come out! Come out! Come on! कुछ ज्यादा ही नहीं होगा क्या? यही लास्ट वाला पार्ट, गाड़ी के पीछे भागने वाला। लगता है राजा का रंग चढ़ने लगा है, उसको सिखाते सिखाते उससे सीखने लगा हूं। क्या बात, क्या बात, तरक्की, फॉरेन ट्रैवल एंड रिटर्न। जानवान, तीन दिन में सब कुछ बताने का वादा करके तो उसके साथ हनीमून मनाने को चली गई। पर मैं नाराज नहीं हूं। चलो ये बता दे मुझे क्या चल रहा है वहां पर। मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तलाक हो गया? अभी इसको कुछ नहीं कहना है, अभी ये वरदा को फोन कर और उसको बोल कि जिस राजा को वो यहाँ ढूंढ रहा है वो उसी के शहर में है
और उसके साथ गेम करने की प्लानिंग कर रहा। नहीं प्लीज नहीं, वरदा को फोन मत करो। मुझे राजा के बारे में जो पता चलेगा, जैसे पता चलेगा मैं सब बताऊंगी, लेकिन राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, जब भी मैं चेक बनाता हूँ ना, तो मुझे सोचता हूँ कि मैं बना रहा हूँ या मैं बन रहा हूँ। इसलिए फ्री में एक एडवाइस ले लो, तकलीफ में साथ देने वाले को भले एक बार भूल जाओ, लेकिन तकलीफ देने वाले को कभी मत भूलना। मैं दोनों को नहीं भूलता हूँ सर। वैसे उस लंगूर को कहाँ का टाइकून बता तुम्हें? लाइबेरिया। हाँ जगन को लाइबेरिया भेजवा लिया। विलास शाह की पूरी बायोग्राफी चाहिए मुझे। वीडियोट्रॉनिक्स, वीडियोट्रॉनिक्स के हजारी से बात करो। लग गया सर। हजारी, वरदा। वरदा साहब, मेरी याद कैसे आ गई आज? सर नहीं, ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली कि आप लोग CL20 की टीम के लिए बिड कर रहे हैं। कौन सी टीम? अहमदाबाद वाली। CL20 की अहमदाबाद वाली टीम? हाँ सॉरी वरदा साहब, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सॉरी, मैं भी इस बारे में बात नहीं कर सकता। थैंक यू। बिना बताए सब कुछ बता दिया सर। सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और सारा फंड्स नया अकाउंट में डाइवर्ट करो। वरदा साहब, अपने क्रिकेट के प्यार के जुनून में अपना ही कानून मत तोड़ो आप। क्रिकेट जुनून नहीं है वालिया, जरिया है। क्रिकेट के जरिए जो हासिल होगा ना, उसका जुनून है मुझे। विराज की बोली 490 करोड़ है, इसलिए आपकी 500 होनी चाहिए सर। और परसों ऑक्शन में आपको AICA के नाम पे 100 करोड़ का बैंकर्स चेक देना होगा, और उसके बाद 2 दिन में आप एक नए टीम के मालिक। ओके सर, तो मिलते हैं। मछली के मुंह में कांटा फंस गया है। कट। अब वरदा हमारी नकली नीलामी में आएगा, 100 करोड़ का चेक देगा, और वो भी हंसते हंसते देगा। अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके हेलो। जानती हूं मैंने तुमसे कहा था कि अब तुमसे दूर रहूंगी, कोशिश भी की, लेकिन मुझसे मिल सकते हो? हाँ, मैं आ रहा हूं। सोचूं कि काश कोई ऐसा तरीका होता, मैं तुम्हारे गुजरे हुए कल को तुमसे अलग कर पाती। उस रात सिर्फ राघव ही नहीं मरा, हम दोनों भी। अगर उस रात वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी रहे हो। हम जिएंगे, बस 2 दिनों की बात। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? परसों एक नकली नीलामी है, उसमें हम वरदा को वो 100 करोड़ की टीम बेचेंगे जो है ही नहीं, और इस टीम के लिए वो हमें 100 करोड़ का बैंकर्स चेक देगा। Yeah.
सर सर वरदा को बता देते हैं, वैसे इनाम तो अपने को ही मिल गया ना। अभी रुक, अभी गेम सौ करोड़ का हो गया, अभी चंदन इन्हें किसने दिया, टीका हम लगाएंगे। लेकिन सर 100 करोड़ का बैंकर्स चेक अपने किस काम का? बैंकर्स चेक बोले तो कैश ही समझना, जिसने जमा किया कैश उसी की जेब में। पर सर उसके ऊपर नाम तो AICA का होगा, अपना क्या फायदा? अगर राजा जाली अकाउंट खोल सकता है तो क्या हम नहीं खोल सकते? अभी लड़की बताएगी कब और कहाँ, नकली नीलामी में नकली रेड हम करेंगे, चलाएगी बिल्कुल असली। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही चेक गायब हो जाएगा, गेम होने तक राजा को सेफ रखेंगे, फिर सेफ। राघव को बहुत मिस कर रहा हूं आज, अगर वो यहां होता तो। वो भी आपका स्टूडेंट था? सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं था, मेरा टारगेट भी था, पहला टारगेट। वो कुछ 9-10 साल का रहा होगा और मैं 14-15 का। मैंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचा था, कलर टीवी ऐसा कहकर। वेरी स्वीट बॉय, वेरी स्वीट। सोचा था एक दिन उसके पैसे मैं लौटा दूंगा, कभी लौटा नहीं पाया। तो फिर आप दोनों का साथ क्यों छूट गया? पहले मिथिलेश कुमार को ढूंढो, वरदा ने तुम्हें चेक नहीं बॉम्ब दिया है, जो क्लियर नहीं हुआ ना तो सबके मुंह पे फटेगा। योगी, तुम योगी के साथ काम कर रहे हो? मैं जानता हूं उनके बड़े भाई हैं। पर क्या तुम ये जानते हो कि राघव ने ये बात तुमसे क्यों छुपाई कि उसका एक भाई था? एक नंबर का धोखेबाज है वो योगी, एन वक्त पर रंग बदलेगा। जो इंसान अपने सगे भाई का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। उनके बीच हुआ क्या था? दादा, अरे राजा कहाँ अटक गया है? पता नहीं, परेशान लग रहा था, कह रहा था कुछ पता लगाना है, राघव के घर गया है।
इतनी देर कैसे हो गई और ये चोट कैसे लगी है? कुछ चोटें और भी लगी हैं। वर्धा का हिटमैन था। वर्धा का हिटमैन? उसने तुमको देख लिया? पहले भी अपने दिमाग के नहीं दिल के सुने, अब नहीं सुनूंगा। ये खेल खत्म भैया, खत्म। एकदम करेक्ट पॉइंट पे साथ छोड़ने की प्लानिंग कब से कर रहे थे आप? What? ये तो फितरत है आपकी, मौके पे अपनों का साथ छोड़ देना। राघव के साथ भी तो यही किया था आपने, इसलिए उनका नाम सुनते ही इधर उधर देखने लगते हैं आप। खुद को बचाने के लिए जेल भेज दिया अपने सगे भाई को, और जब चैन की जिंदगी जी नहीं पाए भाग के धर्मशाला प्रायश्चित करने। कब तक भागते रहोगे सच से? मैं किसी भी सच से नहीं भाग रहा। राघव ने खेल के उसूल तोड़े थे, उसको जुर्माना भरना ही था। तुमने भी खेल के उसूल तोड़े, तुमको भी जुर्माना भरना ही पड़ेगा। मैं रिश्ते तोड़ सकता हूं, खेल के उसूल नहीं। तुमको जो समझना है समझो, मेरे लिए खेल खत्म। खेल खेलने से खत्म होता है, बीच में छोड़ने से नहीं। राघव का जो कर्ज आप लेके भटकते छुपते रहते हैं ना, वो मेरे सर पे भी है। जिंदगी आपको एक और मौका दे रही है, इसे ठुकराइए मत, बहुत पछताएंगे आप। मैं तो कल जाऊंगा, आपके साथ है आपके बिना। आज मेरा मकसद पूरा होगा और हमारा सपना। राजा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बोल। सर उसने मुझे अभी भी बताया, नीलामी 11:30 बजे क्लार्कसन के बॉलरूम में। लेकिन सर राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहले से ही कट चुका
लाइटिंग प्रॉपर हो गई ना, पूरा चेक कर लिया कि आप ये कोड टाइम नहीं बिल्कुल, और उसको टाइम टाइम चेक करो, सब टाइम चेक करो, देखिए वो देखो, टाइम चेक करो, रेडी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, इतने बड़े नीलामी में AICI के प्रेसिडेंट साहिल सहगल नहीं आए, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, पटेल सर का SMS। और अब मैं CL20 के ऑनरी जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर शिराज पटेल से गुजारिश करूंगा कि वो इस बिट की शुरुआत करें। आई एम प्राउड टू से इस साल CL20 बेटर ही नहीं बल्कि अहमदाबाद की एक नई टीम के साथ बिगर भी हो गई है। आपका और वक्त न लेते हुए मैं बिड्स ओपन करता हूं। तीसरा ऑफर है MKT ग्रुप का 450। रिटर्न से कोई दिख नहीं रहा सर, वो आज बिडिंग नहीं कर रहे। पटेल साहब ने कुछ फेंकी होगी। द फोर्थ बिड इज फ्रॉम मिस्टर वर्धा यादव, यादव यूनाइटेड ग्रुप, और उनका ऑफर है 500 करोड़। और आखिरी बोली है मिस्टर विराज शाह की, हेलो, और उनका ऑफर है 490 करोड़। सो द न्यू ओनर ऑफ द अहमदाबाद टीम इज मिस्टर वर्धा यादव। सर लाइबेरिया में विराज शाह नाम का टूरिस्ट भी नहीं आया आज तक। मैं मिस्टर वर्धा यादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए। लाइबेरिया में कोई विराज शाह नहीं है सर, लाइबेरिया नहीं लिबिया कहा था मैंने। मिस्टर यादव प्लीज। बुला रहे हैं सर। मैंने क्लियरली सुना था लाइबेरिया कहा तुमने। सर लाइबेरिया लिबिया क्या फर्क पड़ता है? अहमदाबाद टीम के नए ओनर मिस्टर यादव। सर प्लीज सर, नहीं तो विराज टीम का ओनर बन जाएगा, फिर उसे कॉन्ग्रेस करते वक्त उसका एड्रेस पूछ लेना। इंस्टॉलमेंट का पहला चेक मिस्टर यादव। Ah!
वर्दा साहब, कोई टीम नहीं बेची जा रही यहाँ पे, कोई नीलामी नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। चेक निकाल भाई, निकाल। मेरे पास टीम के पास है। चेक है आपके पास? हाँ हाँ। ए चिकन, चिकन, चिकन है। सबको पकड़ो। चिकन है। मैं संभाल। हो गया वो। आई कांट बिलीव दिस। सर आप टेंशन मत लो, मेरा एरिया सर, मेरा एरिया। एक भी नहीं बचा। एक एक ढूंढ, एक एक को ढूंढ के निकालूंगा। अंदर क्या मजे शोर होता सर? मैं ढूंढ के निकालूंगा, मेरा एरिया सर। 40 चोर, 40 लोग थे ना। ए तू, अरे तू खाना अंदर। अरे सर काट दूंगा देखो मैं। सर आगे नहीं कर। ये नहीं, हमने नहीं किया। तू था? बैग मत चेक। अब मत चेक कर। मेरे साथ बात कर। 40 लोग थे। कैंसिल नहीं हो सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि किस ब्रांच में, किस कौन से बैंक में घुसा हुआ है वो चेक। फोन बज रहा है। आपका बज रहा है सर। साली चुप कर आए से यार। हाँ हेलो मिस्टर वर्धा यादव। हाँ बोल रहा हूँ। मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ। दिस इज अ कॉन्फर्मेशन कॉल। आपने 100 crores का बैंकर्स चेक इशू किया है? आप वो चेक आप होल्ड कीजिए प्लीज। देखिए ये चीटिंग का केस है। चीट? नहीं, किसी ने चीट किया मुझे। देखो लेकिन ये तो आपने इशू किया है ना। फ्रॉड है सर, प्लीज। ओके क्या आप हमारी ब्रांच आ सकते हैं? हाँ पहुँच सर। ब्रांच का आपका कोलाबा? हाँ बस बस अभी पहुँच रहा हूँ। ये ब्रांच में जाना। वर्ता यादव। यस सर। सो प्लीज हैव अ सीट। सर लगता है चेक तो गया अपने हाथ से, अब क्या जुगाड़ करेंगे? टेंशन मत ले सालू, इतना बड़ा बैंक वर्ता अपने साथ है, कुछ तो करेंगे। बोले सर। राजा साले डूबीबाज मानता है अपने आप को। तुमको इन्फॉर्मेशन किसने दी? सर बता दो मजनू को। जिस लैला के दरबार में जाके तू चंदा चढ़ाता है ना, उसी ने दी। ओके ये आपका चेक, मैंने इसे कैंसिल करवा दी। एक और बात, आपने उन्हें अपने बैंक पेपर्स दिए थे ना, इसका मतलब है कि आपके फाइनेंशियल डिटेल्स लीक हो गए। मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दीजिए। तुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था मुझे। पहले वाले का पार्टनर यही था। पुलिस के सामने मर्डर हाँ? क्या ये सब? ये हमारे साथ है। बॉडी को डिस्पोज करो, कीमत मिल जाएगी। यहां कुछ हुआ ही नहीं, समझे?
लॉक कर। चेक का क्या हुआ? अरे 100 करोड़ के बैंकर्स चेक का क्या हुआ? वरदा के हाथ लग गया। दादा आ जाओ इधर। वरदा के हाथ में हार नहीं लिख रहा, ये उसे पता नहीं था। मुझे मात देने चला सारा छाप। एक्सक्यूज मी सर, चेकआउट में प्रॉब्लम है, आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। हाँ तो वाले संभालो इसको। क्या हुआ? प्रॉब्लम? हाँ क्या प्रॉब्लम? जीत गए। छोटी मोटी जीत नहीं, ये सारे के सारे पैसे 1500 करोड़ हमारे। आप ₹10 की सिगरेट घुमाने में और 1500 करोड़ गायब करने में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हर करतब फ्रॉड 420 के 3 कदम होते हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप है दावा। मैं इस सिगरेट को बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए घुमा सकता हूँ। क्रिकेट टीम भी आपको दिलवा सकता हूँ। एक ऐसा ऑफर जो सुनने में नामुमकिन लगे पर दिल कहे इंटरेस्टिंग। क्रिकेट बोर्ड CL20 में एक नई टीम लॉन्च कर रही है, उस लिस्ट पर आपका नाम डरवाने से लेकर टीम आपके नाम पर करवाने तक का काम मैं चुटकियों में करवा सकता हूं सर। किसे जानते हो ऐसे के ऑफिस में? गवर्निंग काउंसिल के शिराज पटेल अपने। दूसरा स्टेप है कहानी। शिकार को ऐसी सॉलिड स्टोरी सुनाओ कि वो उसके लपेटे में आ जाए। टीवी स्क्रीन पे कभी ऐसे हाथ घुमाए बाल खड़े हो जाते, उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मिस्टर सहगल, साउथ अफ्रीका से कोई बिडर आएगा तो कैसा रहेगा? और कहानी के अलावा उसे कुछ सूझे ही नहीं, फिर टारगेट ना अपने शक पे यकीन करेगा ना यकीन पे शक। हजारी वरदा साहब, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ इस बारे में बात नहीं कर सकता। बिना बताए सब कुछ बता दिया उसने। सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और सारा फंड्स नया अकाउंट में डाइवर्ट करो। ये तेरा राजा है ना, उधर वरदा के साथ गेम ही खेलने गया है ना, उससे साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी। लेकिन ये लंबा खेल है बॉस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सोच होनी चाहिए 10 कदम आगे और नजर होनी चाहिए हर हरकत पर, हर एंगल पर। लड़की को यहाँ लाकर तुमने गलती की है और उसे सुधारना होगा। जिया को हमारे प्लान में शामिल करो। लेकिन आज तुम्हें अपने इस काम या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। एक तरीका है, पुलिस जिया के पीछे है और हमें पुलिस की जरूरत है। प्लान जानने के लिए इंस्पेक्टर सिंह तुम्हें मुंबई में मिलेगा और तुम उसे प्लान बताओगे, लेकिन कब और कितना बताना है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझसे मिल सकते हो? हाँ, मैं आ रहा हूं। परसों एक नकली नीलामी है, उसमें हम वरदा को वो 100 करोड़ की टीम बेचेंगे जो है ही नहीं। पुलिस वही है जहां हम चाहते थे। कब, कहां,
कौन काम आ जाए। दादा मैं क्या बोल रहा हूं? मालूम, तुम वकालत मत करो, पहले उसे पूछो कि हिटमैन को कैसे संभालेगा। आपको संभालिए तो हिटमैन क्या चीज है? तीसरा और आखिरी स्टेप, एक लाजवाब चाल जिसमें शिकार का ध्यान कहीं और हटा के उसे वो दिखाना जो होगा नहीं, और जो होगा वो शिकार को दिखेगा नहीं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर यादव। वर्धा ने सिर्फ ये देखा था कि ये 100 करोड़ का खेल है। ये चीटिंग का केस है। क्या आप हमारी ब्रांच आ सकते हैं? बस बस अभी पहुंच रहा। तो पहुंच गया नकली बैंक अपना चेक रुकवाने के लिए। ये आपका चेक, मैंने इसे कैंसिल करवा दिया। और राहत की सांस ली। आप अपने सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज कर दूंगा तो हाउ विल डू बिजनेस? तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट्स, शेयर, स्टॉक अकाउंट्स, इन सब के पासवर्ड चेंज कर दीजिए अभी। लैपटॉप लो। वर्धा का ध्यान क्रिकेट टीम पे था और हमारा उसके बैंक अकाउंट पर। लेकिन दूसरी सांस ले उससे पहले उसके 1500 करोड़ हमारे असली बैंक अकाउंट में जमा हो गए, इतनी आसानी से जितनी कि एक फूंक। मिस्टर वर्धा यादव? यस वर्धा या? सर दिस इज नेहा कॉलिंग फ्रॉम एचडीएमसी बैंक। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, क्या आपने 1500 करोड़ 15 डिफरेंट अकाउंट्स पे ट्रांसफर किए हैं? हां किया था, कोई प्रॉब्लम? नो सर, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन कॉल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टॉक्स एंड शेयर्स सब गए। इट्स पॉसिबल वालिया, आई एम वर्धा यादव। वर्धा यादव के हाथ में हार। वालिया मैं आई एम वर्धा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये फैक्ट्री है ना, कंपनी फैक्ट्री, ये मेरे शेयर्स और स्टॉक्स जो है लिखा ही नहीं है। तो क्या तू क्या बता? तो ये रही उन सबकी कंप्लीट लिस्ट जिनके ईमानदारी के पैसे पे वर्धा ने अपनी बेईमानी का अंपायर खड़ा किया था। इंटरेस्ट के साथ सबको सबके पैसे इस हफ्ते तक मिल जाएंगे। पहला ही दाव और 1500 करोड़ का हाथ मार दिया। वाह, और कानून की नजर में मर भी गए। तुम हो नए इंडिया के नए नटवरला। आपके बिना ही मुमकिन नहीं होता। नहीं नहीं, ये जीत तुम्हारी है। सच, मैंने तो राघव को जीते जी छोड़ दिया था, तुमने तो उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। वैसे आपका ये रिश्ता ना बनाने का रूल ना बिल्कुल गलत है। ये रिश्ता बना तो ले।
घर चले। हाँ अब तो तुम्हारे पास घर जाने की वजह भी है और पैसे भी। बस वजह है और वही तो चाहिए थी। क्यों पैसे कहाँ गए? खर्च कर दिए। खर्च कर दिए तो अब क्या करोगे? नई कलाकारी, नया कारनामा, नए वर्धा के साथ। ये वाला मैं आती हूँ, इसे कंप्लीट करूँ।